2019 में BODS एक्ट के तहत कई चिटफंड कंपनियां हुई बंद, जिससे जिले के 50,000 लोगों का 500 करोड़ रुपया डूबा। सोपा संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में BODS एक्ट के तहत कई कंपनियां बंद की गई थी, जिससे कई लोग ठगी के शिकार हुए, क्योंकि कई लोगों ने अपनी जमा पूंजी उन कंपनियों में जमा की थी और अब वह कंपनियां बंद हो चुकी है। अब मंदसौर जिले के लगभग 50,000 लोग अपने भुगतान के लिए इधर उधर भटक रहे हैं एवं विधायक, सांसद, कलेक्टर सहित सभी को ज्ञापन देकर अपने भुगतान की मांग कर रहे हैं और नारे लगाए कि भुगतान नहीं हुआ तो मतदान नहीं देंगे। एवं मीडिया से चर्चा करते हुए संगठन के जिला अध्यक्ष और मध्य प्रदेश उज्जैन संभाग प्रभारी शरद कुमार बमनिया द्वारा बताया गया कि लगभग मंदसौर में 500 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। बताया कि भारत की बात करें तो चिटफंड कंपनी में 42 करोड़ लोग ठगी के शिकार हुए और टोटल जिनका 400 लाख करोड़ रुपए इसमें फंसा हुआ है और कई लोगों ने तो इन कंपनियों के बंद होने के बाद आत्महत्या जैसे कदम भी उठाए हैं। बताया कि जल्दी मध्य प्रदेश में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार अपनी आवाज को बुलंद कर आंदोलन करेगा और जितने लोगों का पैसा फंसा हुआ है उनको निकालने का कार्य किया जाएगा। जिस देश में 42 करोड़ लोग ठगी पीड़ित हैं, जो प्राइवेट चिटफंड कंपनियों के निवेशक एजेंट रहे हैं और देश में 42 करोड़ लोग हैं, इनके साथ धोखा हुआ है। प्राइवेट कंपनियों में पैसा इन्होंने लगाया अपने खून पसीने की कमाई और ये एजेंट लोग खूब मेहनत से पैसा जमा किया है और सरकार ने, माननीय नरेंद्र जी मोदी ने 3 लाख कंपनियाँ बंद कर दी हैं और बर्ड एक्ट कानून के तहत उन्होंने कंपनियाँ बंद करी है। हमारा बर्ड एक्ट कानून के तहत ही उनसे भुगतान मांगने का संकल्प है और देश के 42 करोड़ लोग इसी के तहत भुगतान मांगने की मांग कर रहे हैं आदरणीय कलेक्टर महोदय से। क्या मंदसौर में कितने लोगों का पैसा रुका हुआ है? जी सर, मंदसौर में 5 से 7 कंपनियां हैं जिन्होंने पैसा का इन्वेस्ट किया गया है। सारा इंडिया, पल्स, आदर्श क्रोपर्टी, सेटाइटी, सनशाइन और सनशाइन हाईटेक आदि बहुत सारी कंपनियां हैं। इनमें 50,000 के समथिंग, 50 लाख, 50,000 निवेशक हैं और 500 करोड़ रुपए का मंदसौर जिले का एक अनुमानित गमन हुआ है। साहब, अब क्या चाहते हैं आप लोग? क्या हम ये चाहते हैं कि माननीय नरेंद्र जी मोदी ने जो कहा है कि देश की 3 लाख कंपनियां हमने बैन कर दी और देश में किसी भी नागरिक ने चू नहीं किया है, तो चूंकि कंपनियां आपने बंद करी है कानून के तहत और कानून भी आपने बनाए बर्ड एक्ट 2019, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019, उस कानून के तहत ही हम आपसे अपनी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान मांगने का अधिकार पाते हैं और आपने गारंटी का अधिकार बनाया है, कानून बनाया है, तो हम आपसे उसकी मांग करते हैं और अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो हम आने वाले समय में लोकसभा, राज्यसभा, जितने भी चुनाव हैं राज्यों में उनका संपूर्ण चुनाव का बहिष्कार करेंगे। भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। मोदी जी, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानों भारत छोड़ो का नारा बुलंद करेंगे और संगठन का विस्तार करेंगे। मेरा नाम है शरद कुमार बामनिया, मंदसौर जिला अध्यक्ष और उज्जैन संभाग प्रभारी हूँ मैं, ठगी पीटी जमाकर्ता परिवार गरोड़ से। परेशानी है तो सर बहुत सारी है हमारी, हमने कंपनियों में काम करा है, यहाँ पर मंदसौर ब्रांच में सनशाइन हाईटेक की ब्रांच अवेलेबल थी, करोड़ों रुपए का बिजनेस हमारा ब्रांच के अंदर जमा हुआ, आज तक जो है रिटर्न पैसा नहीं मिला और हम चाह रहे हैं कि हमारा धन जो है जमा धन वो वापस करे, सरकार इस बात का ठोस निर्णय ले। नहीं मिलता तो क्या? नहीं मिलता तो सर हमारा यही कहना है कि भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। हम ठगी पीड़ित परिवार, लाखों लोग जो इस ठगी पीड़ित कंपनियों में फंसे हुए हैं, हमारा पैसा रिटर्न किया जाए। हम लोगों ने जो बिजनेस किया या हमारे घर का जो धन जमा किया वो शासन प्रशासन की लगी हुई सील, प्रमाण पत्र, व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र वगैरह, ऐसे बहुत सारी शासन की सीलें लगी हुई देख के ही हमने बिजनेस किया और करोड़ों रुपए का बिजनेस जो है इन ठगी पीड़ित परिवार का है फंसा हुआ। तो हम शासन से मांग करते हैं कि हमारा पैसा रिटर्न दिया जाए। क्या नाम? हमारी मांग ये कि मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने जिन कंपनियों को लाइसेंस अथॉरिट किया था और उन कंपनियों में भोली वाली जनता जो उनके फ़ोटो देखकर, मुख्यमंत्री के फ़ोटो देखकर हमने वर्क किया है और FDRD का जो काम चला था, तो माननीय मोदी ने कंपनियों को बंद कर दिया और 2014 में मोदी जी के द्वारा नेतृत्व में कंपनियां बंद हुई हैं और जिनका पैसा अभी तक रुका हुआ है वो पैसा लौटाने की कृपा करें। हम कितना पैसा होगा मंदसौर जिले का? मंदसौर जिले का 500 करोड़ रुपए सभी कंपनियों मिला के, 3600 कंपनियां हैं मंदसौर में,
एचबीएन से लगा के सहारा पल्स पीएलए सनशाइन इंफ्राबिल्डर कॉर्पोरेशन, मैं सनशाइन इंफ्राबिल्डर कॉर्पोरेशन से हूँ, और 500 करोड़ रुपए अपने मंदसौर ज़िले से। ऐसे 26 लाख एजेंट मध्य प्रदेश के अंदर हैं, और विगत भारत की बात करें अपन तो 42 करोड़ लोग ठगी के शिकार हुए हैं।